स्वागत है आपका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग तोरू दत्त की लाइफ, उनके वर्क्स डिस्कस कर रहे थे और हम इस पॉइंट तक पहुंच गए थे, लास्ट जो सेंटेंस है, शी ओकेजनली बी टू सर्टेन इनएडिक्वेसीज। अब बढ़ते हैं उसके आगे। शी सिंग्स ऑफ सावित्रीज मैचलेस वाइफली डिवोशन। सावित्री जो वर्क है उनका, उसमें सावित्री के मैचलेस वाइफली डिवोशन का जो डिस्क्रिप्शन है, हर फेथ इन द ओमनीपोटेंस ऑफ फेट एंड हर बिलीफ इन माया। फेट कैसे हर जगह शक्तिशाली होता है, फेथ और हाँ, हर फेथ इन द ओमनीपोटेंस ऑफ फेट, ये जो उनका एक विश्वास है कि कैसे फेट हर जगह शक्तिशाली रहता है। और माया, इंडियन कॉन्सेप्ट में माया को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। विदेशियों के लिए हो सकता है ये एक ऐसा वर्ड हो जिसको समझना मुश्किल हो उनको, हमारे लिए तो ये बहुत कॉमन है। हम लोग जब चीज़ों से परेशान होते हैं, रिश्तों से परेशान होते हैं, तो खुद कहते हैं अरे सब माया है, केवल मोह है, बंधन है। सो वाइल हैविंग डिस्कशन ऑफ सावित्री, शी टॉक्स ऑफ हर डिवोशन, वाइफली डिवोशन, हर फेथ इन ओमनीपोटेंस ऑफ फेट एंड हर बिलीफ इन माया। Suniti's enunciation of the doctrine of karma and Prahlad's pantheism with an insider's sense of conviction. Suniti ki baat kahan hogi? Suniti ki baat Dhruv ke context mein hogi. Dhruv ki maa ka naam Suniti tha. Jo soteli maa thi, uska naam Suruchi tha. To jab karma ki prerna Suniti deti hai apne bete ko, Suniti's enunciation of the doctrine of karma, the way she talks of karma and Prahlad's pantheism with an insider's sense of conviction, and she talks of Prahlad and talks of his pantheism at the same time in the royal ascetic and the Hind, she is tempted at the end to read a Christian sermon on divine love to the reader. मतलब देख रहे हैं एक तरफ कैसे हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू कल्चर की चीज़ों का डिस्कशन चल रहा है, दूसरी तरफ वी टॉक ऑफ द रॉयल एसेटिक एंड द हिंद, उसमें वो क्रिश्चियन सर्मन के बारे में बात करती हैं। आई मीन शी टॉक्स ऑफ डिवाइन लव, उसमें क्रिश्चियन सर्मन का डिस्क्रिप्शन है। मतलब जैसे लग रहा है कि वो उधर क्रिश्चियनिटी की तरफ भी ललचा जा रही हैं, कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी भी उनको अट्रैक्ट कर रही थी। दस मिसिंग द पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल टेल इन द विष्णु पुराण, तो उसमें वो विष्णु पुराण की जो कहानी है उसको वो मिस कर जाती हैं। विच सीक्स टू एम्फेसाइज द नीड टू कंसंट्रेट ऑल वंस थॉट्स नॉट ऑन अ वर्ल्डली बींग बट ऑन गॉड एट द मोमेंट ऑफ डेथ, which seeks to emphasize the need to concentrate all one's thoughts not on a worldly being but on God at the moment of death. ये तो खैर ये चीज़ मेंशन है विष्णु पुराण में। हमारे ग्रंथ, हमारे स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि जब आप मौत के करीब जाएं, ख़ास करके इसीलिए जो नेचुरल डेथ की हम बात करते हैं, जब इंसान बूढ़ा होकर के मरता है तो उसके पहले वो माहौल बना लेता है कि उसे दुनिया की चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे केवल ईश्वर भक्ति करनी है, ईश्वर के शरण में जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट कि जब हम अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हों, जब हमें या यूँ कहें कि जब हम मृत्यु हमारे करीब नज़र आ रही हो, उस वक्त
दुनिया की चीज़ों को भूल करके, खत दिमाग से निकाल करके हमें केवल भगवत भक्ति करनी चाहिए, ऐसा विष्णु पुराण में मेंशन है। तो उस चीज़ का डिस्कशन वो नहीं कर पाती। शी टॉक्स ऑफ द सर्मन ऑफ डिवाइन लव ऑफ क्रिश्चियनिटी। खैर, इट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ एमके नायक। ऐसा अगर तोरू ने किया तो उसमें कुछ बुरा नहीं किया। डिवाइन लव की बात चाहे वो हिंदुइज्म का करें चाहे क्रिश्चियनिटी का करें, क्या फ़र्क पड़ता है। तोरू दत्त पोएटिक टेक्निक शोज अ श्योर ग्रास्प ऑफ मोर देन वन पोएटिक मोड। पोएटिक टेक्निक की थोड़ी सी बात कर ले अगर, तो इनके पास कई तरह के पोएटिक मोड हैं। सावित्री रिवील्स हर स्किल इन ब्रिस्क नरेशन। देखिए, नरेशन कैसे किया जाता है सावित्री को पढ़ करके लगेगा। लक्ष्मण अ कीन सेंस ऑफ ड्रामा, और लक्ष्मण में ड्रामा कैसे लिखा जाता है या ड्रामा ड्रामेटिक सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाती है, ये लक्ष्मण को पढ़कर समझ में आएगा आपको। लक्ष्मण इज हिज वर्क, सॉरी हर वर्क। एंड द सोनेट बॉग मैरी, वन ऑफ द 7 मिसलेनियस पोएम्स इंक्लूडेड इन द कलेक्शन ऑफ फ्लेयर फॉर डिस्क्रिप्शन। और बॉग मैरी को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि डिस्क्रिप्शन कितने खूबसूरत तरीके से वो कर सकती हैं। बट इट इज़ अगेन अ मार्क ऑफ हर पेक्यूलियर एम्बिवेलेंस दैट शी मिसेज ऑल टुगेदर द ड्रामेटिक आयरनी इनहेरेंट इन द फाइनल ऑफ द स्टोरी ऑफ सिंधु, बेटर नोन एज श्रवण। तो यहाँ कह रहे नायक साहब की, लेकिन फिर यहाँ देखेंगे हम कि कैसे वो ड्रामेटिक आयरनी मिस कर जाती हैं श्रवण कुमार के कॉन्टेक्स्ट में, जब वो उसके बारे में बात करती हैं। वेयर द प्रोफेसी ऑफ द बॉयज हेल्पलेस हैपलेस पेरेंट्स दैट किंग दशरथ टू वुड डाई ऑफ ग्रीफ एट पार्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड कम्स लाइक अ फॉर्चुनेट कर्स टू द किंग हु इज चाइल्डलेस। ये ड्रामेटिक आयरनी, इस चीज़ को वो मेंशन करना मिस कर जाती हैं। मेंशन करने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कह करके मेंशन करेंगे कि ये ड्रामेटिक आयरनी है, वो उस ढंग से उसको दिखाएंगी कि पढ़ने वाला समझ जाएगा कि ड्रामेटिक आयरनी को इंगित किया जा रहा है। वो कहानी कि जब श्रवण कुमार को गलती से दशरथ ने बाण मार दिया था, श्रवण कुमार मर गए थे, तो बाद में उनके माता पिता से जब जाकर दशरथ मिल रहे हैं और उनके माता पिता दशरथ को श्राप दे रहे हैं कि जैसे हम पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं उसी तरह से तुम्हें भी पुत्र वियोग होगा और तुम पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागोगे। दशरथ के लिए ये श्राप एक तरह से वरदान था, क्योंकि दशरथ को पुत्र हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में जब ये श्राप मिला तो उन्हें लगा कि उन्हें वरदान मिल गया, क्योंकि पुत्र वियोग में मरने के लिए पुत्र तो होना चाहिए, और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई और अल्टीमेटली राम के वियोग में राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और फिर कैसे है गए सुरधाम। तो दशरथ ने ऐसे प्राण त्याग दिए। ये डिस्कशन नहीं है वाइल टॉकिंग ऑफ सिंधु। यहाँ पर सिंधु का मतलब श्रवण कुमार की बात हो रही है। ओके, हर इमेजरी मेक्स इवोकेटिव यूज ऑफ लोकल कलर। इमेजरी में, जानते हैं आप इमेजरी, ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देना कि अपने आप एक मेंटल पिक्चर बननी शुरू हो जाए, तो उसमें लोकल कलर मिलता है देखने को। द फॉरेस्ट इन विच बुटू वंडर्स इज फुल ऑफ द सॉम्बर सोल। बुटू किसके लिए है? एकलव्य के लिए। एकलव्य का नाम तो सुना होगा, जिसकी परीक्षा लेने के चक्कर में द्रोणाचार्य ने बिना शिक्षा दिए अंगूठा गुरुदक्षिणा में ले लिया था। तो जिस जंगल का डिस्क्रिप्शन आता है, बुटू जहाँ घूमता है वहाँ पर सॉम्बर सोल, द सोल देयर इन द फॉरेस्ट। द बिटर नीम एंड द सीमूल गॉर्जियस एज अ ब्राइड। देखिए, ये हिंदुस्तानी जंगल झाड़ की बात हो रही है। दो वन वंडर्स हाउ द पंपास मोर टिपिकल ऑफ साउथ अमेरिका हैव फाउंड देयर रूट्स हियर।
पम्पास की बात कर ही देती हैं जो कि ज़्यादा कॉमन है साउथ अमेरिका में. A jarring note is similarly struck when the peacocks in Sindhu's forest are endowed with argus. Wings shine red, red and startling like a trumpet sounds. An image surprisingly modern in its use of synesthesia, a device used to effectively by Edith Sitwell. तो जिस तरह से वो आगे यूज़ करती हैं इमेजेस, जैसे यहाँ पर है कि फॉरेस्ट आर इंडोर्ड विद आर्गस विंग्स एंड देन सिमुल का रेड फ्लावर जब वो डिस्कस करती हैं तो उसके रेड फ्लावर के रेडनेस को डिस्कस करते करते उसको वो साउंड से जोड़ देती हैं, है ना, स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्पेट साउंड. ऐसा इमेज कह रहा है कि अपने आप में मॉडर्न है, मतलब उस समय का कोई पोएट इस ढंग का यूज़ करे ये एक आश्चर्य की बात है, बट शी यूज दैट. तो ये क्या है, एक तरह से है साइनेस्थेसिया, एक ऐसा डिवाइस जिसको एडिथ सिटवेल ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया. जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये ऐसा डिवाइस होता है, इसमें चीज़ ऐसी होती है कि हम एक सेंस ऑर्गन से फील करने वाली चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं. जैसे किसी चीज़ की खूबसूरती डिस्कस करनी है जिसको आँखों से देखना होता है, उसमें हम खुशबू की बात करने लगते हैं, उसमें हम स्वाद की बात करने लगते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम मिठाई की बात करें तो मिठाई को खाते हैं ना तो स्वाद मिलता है, तो मिठाई को अगर हम कहें बड़ी खूबसूरत मिठाई है, होनी चाहिए बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है, अगर हम कहें बड़ी खूबसूरत मिठाई है, है ना. जैसे आवाज़ को हम कहते हैं ना स्वीट वॉइस, आवाज़ मीठी हो जाती है, आवाज़ अच्छी लगती है, बट वी से तो इस तरह की जो चीज़ें हैं. हर डिक्शन इज नेचुरली ऑफ द विक्टोरियन रोमांटिक स्कूल. अच्छा, हम इंडियंस क्या कहें, इंग्लिश राइटिंग की बात करें और हमें पच जाए कि हम बिना अंग्रेज़ों की बात किए किसी की बात करते पूरी तरह से, ये भी कैनन फॉर्मेशन ही है. अब हमको समझना होगा अगर तोरुदत्त को, तो डिक्शन को समझना है तो क्या बोल रहे हैं हम के नायक. हर डिक्शन इज़ नेचुरली ऑफ द विक्टोरियन रोमांटिक स्कूल, मतलब बीच बीच वाला विक्टोरियन रोमांटिक, क्योंकि रोमांटिसिज्म के बाद विक्टोरियन पीरियड आया और विक्टोरियन जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े अलग हुआ करते थे. इन दोनों का एक एमलगमेशन देखने को मिलेगा आपको इनके डिक्शन में. एंड ट्रू टू द बैलड मोटिफ, बैलड के लिए जिस तरह से डिक्शन यूज़ किया जाना चाहिए वो मिलेगा देखने को. शी एम्प्लॉयज आर्केइज्म्स लाइक हाइट एंड डाइट. आर्केइज्म समझते हैं पुराने यूसेज वर्ड्स के, हाइट की स्पेलिंग HEIGST होती है ना, लेकिन यहाँ पर HIGST यूज़ किया गया, तो इस तरह की चीज़ें वो यूज़ करती हैं हाइट डाइट. शी गिव्स एम्पल एविडेंस ऑफ हर प्रोजोरिक स्किल इन एम्प्लॉइंग डिफरेंट फॉर्म्स लाइक द बैलड मेजर विद इट्स वेरिएशंस. बैलड को भी अलग अलग, ये सब टेक्निकलिटी है उनकी पोएट्री की. बैलड मेजर का जो है वो अलग अलग वेरिएशन भी यूज़ करती हैं, जैसे 8 syllable क्वाट्रेन, अ मिक्सचर ऑफ 8 and 6 syllables, लाइन्स अरेंज्ड इन 8 and 12 लाइन यूनिट्स. उसके अलावा ब्लैंक वर्स यूज़ करती हैं. ब्लैंक वर्स पता होगा आपको, जो अरबिक पेंटामीटर में लाइन होती है लेकिन उसमें राइमिंग नहीं होती. 5, 8 and 11 लाइन स्ट्रिंजा फॉर्म्स एंड दी सोनेट, यानी ब्लैंक वर्स का यूज़ करती हैं, बैलेट का यूज़ करती हैं, सोनेट का यूज़ करती हैं. देखिए बुटो को एकलव्य लिखा हुआ है इसमें. जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी लगा था कि अरे ये बुटू कौन है. अनलाइक सरोजनी नायडू शी इज नो सिंगर एंड हर शॉर्ट पोएम्स लाइक व्हाट इज परहैप्स हर बेस्ट नोन सिंगल पीस और कैजुरीना ट्री ऑफन स्ट्राइक अ नोट ऑफ नॉस्टैल्जिया. सरोजनी नायडू से तुलना हो तो समझ में आता है, ठीक है भाई, कम से कम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप तुलना कर रहे हैं. तो सरोजनी नायडू की पोएम में कहीं ना कहीं आपको म्यूज़िक मिलती है, एक जैसे लगता है दैट शी इज सिंगिंग थ्रू हर पोएम्स, बट
that we don't find in Turudatta's work. But yes, when you talk of her single piece best known work, that is mostly prescribed at UG level or at plus two level, ये poem जो है Arc Azure in a Tree, उसमें हमको नॉस्टैल्जिया मिलता है. नॉस्टैल्जिया जो कि एक बहुत दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म है ना. कैजुरीना ट्री देखेंगे अपने घर के सामने जो उनके पेड़ है, उस पेड़ जो है उसकी खूबसूरती या उसके साथ उसके नीचे बिताए गए उनके बचपन के दिन, कैसे उसका डिस्कशन करते हैं, कैसे वो नॉस्टैल्जिक होते हैं, कैसे वो यू नो शी गोज़ टू अ रेवरी. इन हर नरेटिव्स she is sometimes flat-footed, as in Savitri liked her new life much. सीधे सीधे बात कर देना है ना. And can we in such a matter delicate proceed? Her artistic immaturity is also revealed when ignoring the lesson to be learned from Milton's deliberate vagueness in his description of death in Paradise Lost book second. क्या कह रहा है? Artistic immaturity भी कभी कभी visible हो जाती है जब वो कह रहा है कि ignoring the lesson to be learned. क्या वो इग्नोर किया उन्होंने वो लेसन लर्न करने का? क्या है भाई पैराडाइज लॉस्ट में बुक सेकंड में, द अदर शेप इफ शेप इज माइट बी कॉल्ड दैट शेप हैड नन. शी अटेम्प्ट्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ यम द गॉड ऑफ डेथ. बताती हैं कि यम जिसको हम लोग यमराज भी कहते हैं, क्या डिस्क्रिप्शन देती हैं उनका. हिज स्किन वॉज डार्क एज ब्रॉन्ज एंड फेल्स टू क्रिएट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ आउ एंड टेरर. एम के नायक का कहना है कि इस तरह से जो डिस्क्राइब करेंगी यम को तो ये कोई बहुत भयानक डिस्क्रिप्शन नहीं है कि जिसको पढ़ करके एक टेरर उत्पन्न हो मन में, ऐसा कुछ नहीं है. एंड एट वन प्लेस शी इवन डिसेंस टू बैथोस व्हेन शी मेक्स सावित्री टेक्स हर हस्बैंड सोल नो बिगर देन अ थंब. मतलब बहुत कह लीजिए कि छोटा किस्म का डिस्क्रिप्शन या छोटे किस्म के सिमिली का यूज़, और मतलब जो अपने आप में बहुत पोइटिक ना हो, इस तरह का यूज़ जो उन्होंने किया हस्बैंड सोल के बारे में, चाहे कि नो बिगर देन अ थंब एंड रन टू हिज लाइफलेस बॉडी इन विच शी प्रिजर्वेबली इंसर्ट्स इट लाइक अ क्लेवर हाउस वाइफ आर्म्ड विद अ डू इट योरसेल्फ. और क्या लिखा है, मतलब प्राण को ला करके कैसे वो इंसर्ट करती है उसमें, लाइक अ क्लेवर हाउस वाइफ आर्म्ड विद अ डू इट योरसेल्फ किट स्विफ्टली फिटिंग अ स्पेयर पार्ट टू अ फॉल्टी किचन स्टोव. मतलब प्राण ला करके कैसे उनके बॉडी में डालती है, जैसे कोई एक हाउस वाइफ जो काफ़ी क्लेवर हो, किचन स्टोव में कुछ गड़बड़ी है तो कैसे चीज़ों को फिट करना है, उस ढंग से वो करती है. ऐसा कुछ जो डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ऐसा मानना है उनके नायक का. बट नन ऑफ दीज फीलिंग्स इन सच एज अ चांस टू ग्रो एंड मैच्योर वुड नॉट हैव इजिली करेक्टेड. कोई भी शुरुआत करता है तो कुछ इमैच्योर पोएम इमैच्योर राइटिंग से धीरे धीरे उसमें विकास के लक्षण नज़र आने लगते हैं. तो ऐसा समझ में आता है इनकी पर्सनैलिटी को देख करके कि चीज़ों की कमी थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि संभावना नहीं थी आगे और बेहतर होने की. What is most impressive about Turudatta's poetry is its virtually total freedom from imitation. देखिए शुरू में ही मैंने कह दिया था कि मेन चीज़ यही है, Turudatta में कैसे imitation से वो free हैं उनकी poem, in contrast with काशिप प्रसाद घोष एंड एम एम दत्त. उनके पहले के जो poet हुए हैं काशिप प्रसाद घोष और एम एम दत्त, इन लोगों ने काफ़ी imitative poetry लिखी है, तो उसके मतलब कह लीजिए कि अपेक्षा Turudatta is better. At an age when most writers are in their artistic swaddling clothes, she quotes from Pope and Wordsworth, but it would be difficult to cite definite examples of citticism in her verse. तो Pope और Wordsworth को भी use करती हैं, quote करती हैं. Obvious है कि कम age में ही लिखना शुरू किया और फिर चीज़ें निकल करके आई हैं, तो कह सकते हैं कि औरों से अपने predecessor से बेहतर यूसेस रहे उनके. दिस इंडिकेट्स दैट हर्स वॉज एन इंडिविजुअल टैलेंट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इट्स ओन नेचर. तो इससे ये समझ में आता है कि उनका टैलेंट थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक था, थोड़ा पर्टिकुलर यूनिक काइंड ऑफ टैलेंट था,
It is therefore all the more sad that she died kids-like before her pen had gleaned her teeming brain. तो इसलिए किड्स की तरह जो फेट हुआ इनका, कह सकते हैं हम कि इन्होंने भी अपने दिमाग का पूरी तरह से यूज़ करना अभी तक सीखा नहीं था, तब तक बुलावा आ गया. Edmund Gosse's well-known description of her as this fragile blossom of song is certainly misleading. There is nothing glass menagerie-like about Toda's poetry. Her best work has the qualities of quite a strength of deep emotion held under artistic restraint and an acute awareness of the abiding values of Indian life. तो जो negative criticism हुआ है तोरुदत्त का, Edmund, क्या नाम है उनका, एडमंड गॉस, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं नायक और कहते हैं कि जो बेस्ट पोएट्री इनकी है उसमें आपको काफ़ी क्वालिटीज़ मिलेगी ऑफ डीप इमोशन हेल्ड अंडर आर्टिस्टिक रेस्ट्रेंट. इमोशन किस तरह से आर्ट के थ्रू उसका डिस्क्रिप्शन होता है वो मिलेगा, और इंडियन लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं उसके बारे में वो कैसे बात करती हैं वो मिलेगा. परमिटेड अ फ्यू मोर ईयर्स ऑफ लाइफ शी कुड हैव प्रूव्ड कैपेबल ऑफ फार ग्रेटर थिंग्स एज हर एक्चुअल अचीवमेंट दो स्लेंडर अनमिस्टेकेबली इंडिकेट्स. उनकी क्वालिटीज़ को देख करके, ऑब्जर्व करके ऐसा लगता है कि अगर उन्हें समय मिला होता तो काफ़ी और बेहतर किया होता उन्होंने लाइफ में. ओके, सो हमें भी मौका मिला होता तो हम भी काफ़ी और बेहतर ढंग से इसको तैयार करके किए होते, लेकिन फिर भी जो भी है इतना ही आज के लिए. धन्यवाद.